खाने जा रहे ब्रेड का आइसक्रीम, तो हमने भी ब्रेड ले लिया है। ब्रेड के भी हम चारों कोने काट देंगे। ब्रेड के चारों साइड काट लिए हैं, अब हम इसको पीसने जाएंगे मिक्सर में। तो ये हमारा मिक्सर का वाटी, और ये हम ब्रेड को तोड़ तोड़ के मिक्सर में पीस लेंगे। तो गाइस अभी हम मिक्सर में पीस ले रहे हैं हमारे पीस के। अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्रेड क्रम को। हम काजू बादाम वगैरह को भी पीस लेते हैं, तो उसके लिए हम पहले डालेंगे काजू, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े से बादाम, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिस्ता, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी इलायची, टेस्ट के लिए, आइसक्रीम के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद हम डालेंगे पीनट सिंगदाना, और ये सबको हम पीस लेंगे बारीक एकदम। बादाम का पेस्ट तो रेडी हो चुका था, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, इसको भी पीस लेंगे। हमने अमूल का बफेलो मिल्क ले लिया था आइसक्रीम बनाने के लिए, अभी हम अपने बाउल में डाल देंगे अमूल का देसी बफेलो मिल्क। देख लीजिए कितना गाढ़ा है, एकदम पीला पीला दूध दिख रहा है, एकदम क्रीम वाला दूध है ये। हमने दूध तो अभी बॉईल करने को डाल दिया, अभी इसको हम 5 मिनट तक हिलाते रहेंगे, थोड़ा इसकी थिकनेस कम होने देंगे, इसका वेट भी कम होने देंगे। अभी खोल चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से केसर के पत्ते, जिससे हमारे दूध में कलर आ जाएगा अच्छा खासा। दूध तो अभी बहुत कम हो गया और गाढ़ा हो गया एकदम, देख लीजिए। फिर अभी इसमें हम डालेंगे हमारा जो ब्रेड क्रम, हमने ब्रेड को जो क्रम किया था मतलब पीस लिया था, वो डालेंगे। अभी हम जो हमारा मसाला पीसे थे, काजू बादाम पिस्ता इलायची शक्कर वगैरह सब, वो सब डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा कस्टर्ड कलर के लिए, और इसमें डालेंगे हमारा नारियल का बुरादा, और टेस्ट के लिए नारियल का बुरादा भी डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचर मस्त आ रहा है एकदम। अभी इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, फिर इसके बाद इसको भी हम मिक्सर में पीसेंगे। हम आगे आपको दिखाते हैं इसका प्रोसेस। अमूल का मिल्क मेड थोड़ा सा मीठे होने के लिए आइसक्रीम को। अभी हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे, उसके लिए हमने अभी हम इसको निकाल के मिक्सर में डालेंगे पीसने के लिए। मिक्सर की वाटी में डाल दे रहे हैं, पिसा रहा है। तो हमारा ये रेडी हो चुका है, पीस लिया हमने। कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए उसकी, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं, ज़्यादा वो नहीं, पतला एकदम। अभी हम जो पीस लिए थे वो हम अभी एक कटोरी में तो डाल लिया, अभी उसके ऊपर थोड़ा सा हमने जो काजू बादाम का पीसा हुआ था वो थोड़ा डाल देंगे ऊपर से टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद हम एक और लेयर डालेंगे, और ये हमारी फाइनल लेयर। ये पूरा हमने अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अपना वो, और इसको फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे कुछ टाइम के लिए। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारी आइसक्रीम कैसे रेडी हुई। स्ट्रॉ वाली आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं, तो ये हमने उसका सांचा ले लिया है, और ये हमारा आइसक्रीम का बैटर रेडी हो चुका है। अभी हम इसको डाल के इसमें दिखाएंगे आपको। हमारा पूरा सांचा तो रेडी हो गया, अभी हम उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा हमारा काजू बादाम का जो वो था मिक्सर वो डाल देंगे। अभी तो सब में काजू बादाम पिस्ता ऊपर से पेस्ट डाल दिया, अभी हम सब में इसका सांचा लगा के बंद कर देंगे इसको। आइसक्रीम का डंडी लगा रेडी हो चुका है, अभी हम इसको फ्रिज में फ्रिज होने के लिए रख देंगे। देख लीजिए कितना मस्त डिज़ाइन में बना है हमारा। हमारी आइसक्रीम अभी रेडी हो चुकी है, अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं इसके अंदर का कैसा बना है। ये हमने थोड़ा सा घुमाया, और ये हमारी आइसक्रीम, एक और पीस, एक और पीस,
ये एक और खाने में बहुत टेस्टी लग रही है, अब आपको हम खा के भी दिखाएंगे बाद में, पहले हम आइसक्रीम निकाल लेते हैं। हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, होममेड आइसक्रीम देख लीजिए कितना मस्त बना है और मेल्ट भी हो रहा है, एकदम भारी दिख रहा है।